सो मैं अपनी आवाम नू कहूंगा कि दो मेरे मगर बोल जरूर बोल, ओ मोदी हो गया गंजा बोटा मंगदा है हुण पंजा, मोदी हो गया गंजा बोटा मंगदा है हुण पंजा, पंजे ते मोरा ला दियो मैडम नू जता दियो, पंजे ते मोरा ला दियो मैडम नू जता दियो, गा के बोलो कह गया कन्नी जनता पा गया, कह के बोलो कह गया जनता दे कन्नी पा गया। लोकसभा हलका हुशियारपुर तो कांग्रेस की उम्मीदवार यामिनी गोमर ने नामजदगी पत्र दाखिल किए। इस मौके पर पंजाब प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पार्टी के होर आगू भी उन्होंने मौजूद रहे। इस मौके पर राजा वड़िंग ने कहा कि आप उम्मीदवार डॉक्टर राजकुमार चौथे थान पर आएंगे और कांग्रेस भारी जित प्राप्त करेगी। इस मौके यामिनी गोमर ने भी अपने विचार रखे। गुरजीत सिंह कैमरामैन गुरप्रीत गोपी की रिपोर्ट। बिगल बज चुका है तो इस करके साड़ी हुशियारपुर तो बहुत सधारण परिवार के एक जिहड़ी मैडम यामिनी गोमर जी जिन्हां ने एक बहुत एक टीचिंग लाइन के अपना कैरियर शुरू किया, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट देकर नवाजा है। संविधान को बचाने की लड़ाई है जिहड़ी कि कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो इस करके सारे बेनती है भी मैडम यामिनी गोमर का साथ देकर तो उसको कामयाब करिए कि संविधान को बचाया जा सके। थैंक यू। बहुत वधिया मिल रहा है जी, तुसी देख सकते हो कि बिना बुलाए बिना किसी मैसेज शायद लगे राती ते रात रात दे विच सारे वॉलंटियर्स ने डिसाइड किया कि सारिया ने नाल जाना मेरे, तो जिथे इन्ने पार्टी वॉलंटियर्स नाल खड़े आ ते ए मतलब लोगों को शो कर रहा है कि वोटर्स भी इसी तरीके नाल साथ देंगे। सारे हलके सारे आ रहे, पूरा पार्लियामेंट हलका खिलाफ लड़ाई है और मेनू उम्मीद है कि इस गदारी और वफादारी की लड़ाई दे विच एक आम सधारण परिवार की लड़की यामिनी गोमर नू हुशियारपुर के लोग फतेह बख्शनगे और अपना आशीर्वाद देंगे। मैं तो कहना चाहना कि आम आदमी पार्टी गल्लां करदी है महिलावां दीआं, एक भी महिला नू टिकट नहीं दिती गई बाहरलियां पार्टियां चों इस तरह लोगों नू लैके गए और आम आदमी पार्टी ने वलंटियर नू चुनाव लड़ाउणा चाहिदा सीगा चब्बेवाल जी की थान पर। इस करके लोगों के भारी रोस है और मैं लगता कि आम आदमी पार्टी के जोड़े वलंटियर है वो भी सारे के सारे निराश ने और यामिनी गोमर व्डे फर्क न आने वाले दिन चुनाव जीते आने नहीं लिख के ले ला कि डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल चौथे नंबर पर आऊगा, लिख के ले ला हमारे नए कैंपस ड्रीम स्कूल एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे इंस्टीट्यूट में क्लासेस 5th to 12th बोथ स्कूलिंग एंड कोचिंग की एडमिशन ओपन हो चुकी है। जो स्टूडेंट्स हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बोथ स्कूलिंग एंड कोचिंग फैसिलिटी को लेंगे उनको कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन या कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका समय और उनका पैसा दोनों हमारे साथ एडमिशन लेने पे बच सकता है।